हेलो दोस्तों, मेरा नाम के आर गुजर। स्वागत है आपका सीखो डॉट ऑनलाइन पर। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान का सामान्य से परिचय देखा था और आज हम कोशिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, कोशिका क्या है, यानी जितने भी सजीव हैं, चाहे हम हो चाहे अमीबा हो, जितने भी सजीव हैं वो सभी सजीव या प्राणी सबसे पहले कोशिका से बने थे। ये कोशिका आपस में जुड़ी होंगी, जुड़ने से बहुकोशिकीय बने हैं। बहुकोशिकीय से बनने से इनमें ऊतकों का निर्माण हुआ होगा, ये ऊतक अंग का निर्माण किए होंगे, ये अंग तंत्र का निर्माण किया है और ये तंत्र एक बॉडी का निर्माण किया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस कोशिका की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, देखो दोस्तों, सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है, जो संरचनात्मक हो यानी संरचना बनाए और क्रियात्मक हो यानी कार्य करे। तो कार्य करने वाली इकाई और संरचना बनाने वाली इकाई यूनिट कोशिका कहलाती है। अब हम देखना है कि कोशिका की खोज की किसने, तो नेक्स्ट देखते हैं खोजकर्ता। तो कोशिका के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। इन रॉबर्ट हुक ने सन 1665 के अंदर एक पादपों की छाल लिया और छाल को अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो एक जब हम किसी बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जाके देखते हैं या जाके देखते हैं तो छोटे छोटे कमरे दिखाई देते हैं, उसी तरह से रॉबर्ट हुक ने पादपों की छाल लिया। छाल लेकर सूक्ष्म दर्शी से देखते हैं तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं आप इस मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को माइक्रोस्कोप में और आवर्धित करके देखा, बड़ा करके देखा, तो इसमें एक गोल संरचना दिखाई दी और ये प्रत्येक कोष्ठ एक विभाजन दीवार द्वारा अलग थे। इस विभाजन दीवार को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति और ये जो गोल संरचना है इसको रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा और इस सेलुली का अर्थ होता है छोटा कमरा। कहने का तात्पर्य है कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं जिसको हम कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका है पौधों की छाल के अंदर, ये कोशिका थी मृत कोशिका अर्थात डेड सेल। फिर सन 1674 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटीवोन ल्यूवेनहॉक। ये एंटीवोन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को खोजा अर्थात सजीव कोशिका की खोज की। तो दोस्तों क्वेश्चन बन गया है, सजीव कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की। तो सजीव कोशिका की खोज तो की है एंटीवोन ल्यूवेनहॉक और मृत कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक। फिर क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज की किसने, तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ लिखते हैं जीवित कोशिका। फिर देखते हैं कि कोशिका की संरचना क्या है, इसमें कौन कौन से अंग स्थित होते हैं। कोशिका की संरचना देखने से पहले हम कोशिका सिद्धांत देखते हैं, कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी। देखो दोस्तों, दो वैज्ञानिक थे 1838 और 1839 के अंदर, एक वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडिन, दूसरा का नाम है स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जितने भी सजीव हैं वो समस्त सजीव एक कोशिका से निर्मित हुए हैं और इन्होंने ये भी कहा कि इस कोशिका के अंदर उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। फिर यहाँ दिया स्लाइडिन व स्वान 1838 और 1839 के अंदर। फिर 1955 में
दो वैज्ञानिक और आए, एक पहला वैज्ञानिक था रूडोल्फ विर्चो, दूसरा है नगेली ने। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अर्थात नवीन कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी पुरानी कोशिकाएं हैं उन पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं, और जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं वो कोशिका के अंदर ही संपन्न होती हैं, वे मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। तो नवीन कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक दो थे, सन 1955 में रूडोल्फ विर्चो व नगेली। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन बनता है कि नवीन कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, रूडोल्फ विर्चो व नगेली, कब दिए 1955 में, और कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्लाइडेन व स्वान, कब दिए 1838 और 39 के अंदर। देखो दोस्तों अब हम कोशिका की संरचना बना करके स्टडी करते हैं। तो ये कोशिका का हमने आवर्धित डायग्राम बनाया है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, पाए जाने वाले मटेरियल को क्या कहते हैं, पाए जाने वाले द्रव्यों को क्या कहते हैं। तो इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य कहते हैं, और इस केंद्रक गोलाकार संरचना में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जिनको हम कोशिका के कोशिकांग बोलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, केंद्रक, केंद्रिका, गुणसूत्र, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, तारककाय और गोल्जी उपकरण। अब हम इनके खोजकर्ता, कार्य, विशेषता देखते हैं। अब हम संरचना के बारे में स्टडी करते हैं। ये कोशिका की संरचना है, ये जो बाहर दिख रहा है ये कोशिका की झिल्ली है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या कार्य है वो नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके अंदर द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे ये बंद मुट्ठी के आकार की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है, जैसे ये केंद्र के बाहर एक जालिका नुमा संरचना है, जिसको हम अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये वाईफाई जैसी संरचना दिख रही है, जिसको मैंने रेड पेन से दर्शाया है, जिसको हम गोल्जी उपकरण कहते हैं। इस कोशिका के बीच में एक गोलाकार संरचना है, जिसको दोस्तों केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक कहलाता है, जिसे हम गवर्नर भी कह सकते हैं। इस केंद्रक में एक गोलाकार संरचना और होती है, जिसको ग्रीन पेन से दर्शाया है, जिसको बोलते हैं केंद्रिका। इस केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को दोस्तों केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागे के समान क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसलिए आनुवंशिकी के वाहक भी कहलाते हैं, जिसको मैंने रेड पेन से एक्स एक्स से दर्शा दिया है। बाहर चलते हैं केंद्रक से, तो इस कोशिका द्रव्य में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको लाइसोसोम कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कला विहीन बिना झिल्ली के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, या सूक्ष्म माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। एक गोलाकार संरचना होती है, जिसको हम तारककाय कहते हैं। ये तारककाय दोस्तों जंतु कोशिका में पाई जाती है, इस तारककाय की जगह पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर हो गया है। एक बार इनके अंतर और सुनते हैं। जंतु कोशिका में पाए जाने वाली आउटर मेम्ब्रेन को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। जंतु कोशिका में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम तारकाय कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, जबकि पादप कोशिका में पाए जाने वाली गोलाकार संरचना को हरितलवक कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब दोस्तों हम कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का डिटेल से स्टडी करते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग क्या है? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले वे अंग जो उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। अब उपापचय शब्द है तो उपापचय क्या है? इसको दोस्तों मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसमें दो पद संपन्न होते हैं, एक तो एनाबोलिक एक कैटाबोलिक, अर्थात उष्मा सेपी और उष्मा शोषी। उष्मा का उत्सर्जन भी हो, उष्मा का अवशोषण भी हो, यहाँ उष्मा से तात्पर्य है ऊर्जा, ऊर्जा का अवशोषण और ऊर्जा का उत्सर्जन। जो अंग करे उनको कोशिकांग बोलते हैं, और कोशिकांग दोस्तों कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखो अभी हमने देखा कि जैसे ये कोई कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है, तो कोशिका के अंदर यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को तो हमने साइटोप्लाज्म कहा, और इसमें पाए जाने वाले केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। देखो दोस्तों अब हम इस दोनों प्लाज्म को, दोनों द्रव्य को एक ही शब्द में जाने तो उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, अर्थात जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है इसको यानी जीव द्रव्य नाम देने वाला वैज्ञानिक पुरकिंजे है, पुरकिंजे। और इस पुरकिंजे ने इन दोनों यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। लेकिन क्वेश्चन बनने वाला कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है यह कोशिका का आधार कहलाता है, यानी जीवन का आधार कहलाता है। यह बताने वाले वैज्ञानिक थे हक्सले, और इस हक्सले के ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो याद रखना है प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाला वैज्ञानिक पुरकिंजे है, और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका का आधार कहने वाले वैज्ञानिक हक्सले है। अब हम इन कोशिकांगों को कला के आधार पर, मेम्ब्रेन के आधार पर, झिल्ली के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो कला के आधार पर कोशिकांगों का वर्गीकरण, दोस्तों इनका वर्गीकरण तीन भागों में किया है। किनके आधार पर? कला के आधार पर, मेम्ब्रेन के आधार पर, झिल्ली के आधार पर। तो तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो दोहरी कलाबद्ध कोशिकांग, इसमें दो हैं, एक तो है लवक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है एकल कलाबद्ध कोशिकांग, इसमें बहुत सारे हैं जैसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे लाइसोसोम,
गोल्जी का जैसे सूक्ष्मकाय। फिर तीसरा है कला विहीन, यानी जिसके ऊपर कला पाई नहीं जाती है, झिल्ली पाई नहीं जाती है, उसको बोलते हैं कला विहीन, कला विहीन। और तीसरा है कला विहीन कोशिकांग, यानी जिसके ऊपर कोशिकांग पाई नहीं जाए, यानी कला पाई नहीं जाए, झिल्ली पाई नहीं जाए, उसको बोलेंगे कला विहीन कोशिकांग। और दो हैं, एक तो है तारककाय और दूसरा है राइबोसोम। तो दोस्तों, हमने कोशिकांगों को कला के आधार पर तीन भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है दोहरी कला, दूसरा है एकल कला, तीसरा है जिसके ऊपर कला पाई नहीं जाए। तो डबल लेयर से परिबद्ध कोशिकांग दो होते हैं, एक तो है लवक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। जिसके ऊपर सिंगल लेयर पाए जाए, जैसे कौन कौन से कोशिकांग हैं, पहला है ईआर, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गोल्जी काय, चौथा है सूक्ष्मकाय। और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाए, जैसे तारककाय और राइबोसोम। अब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग डबल लेयर से परिबद्ध है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त है, या निम्न में से कौन सा कोशिकांग के ऊपर कला पाई नहीं जाती है। जैसे यहाँ पर एचएम के ऊपर, एचएम के एग्जाम में पूछा गया था तारककाय और राइबोसोम से संबंधित क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि याद करने में, समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों, पहले हमने डायग्राम बना के देखा, फिर हमने कला के आधार पर देखा, अब हम इनको वन बाई वन करके, एक एक करके इनका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लवक कोशिकांग, और सबसे पहले कोशिकांग लेते हैं लवक प्लेस्टिड। इस लवक की खोज करता है हेकल, खोज करता हेकल, और इसके नामकरण है, यानी नाम देने वाले, नामकरण करने वाले थे सिंपर। किसके आधार पर किया? हरित लवक की उपस्थिति के आधार पर। अब देखते हैं हम इसकी संरचना। दोस्तों, ये डबल लेयर से युक्त होता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। दोस्तों, इसके अंदर गोल गोल चकतियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम एक वचन में ग्रेना बोलते हैं और बहुवचन में ग्रेनम कहते हैं। इन गोल गोल चकतियों के ऊपर राइबोसोम की कणिकाएँ पाई जाती हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। ये राइबोसोम की कणिकाएं होती हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करती हैं, और इसके अंदर वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। अब ये जो गोल गोल चकतियाँ हैं, ग्रेना है, इनकी इकाइयों को हम क्वांटासोम बोलते हैं, क्वांटासोम। और क्वांटासोम की बड़ी इकाई ग्रेना कहलाती है, यानी ग्रेनम कहलाती है। इसका एक खाली भाग स्ट्रोमा कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, ये डबल लेयर युक्त होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसकी बाहरी झिल्ली को हम बाह्य झिल्ली कहेंगे और अंदर वाली को आंतरिक झिल्ली कहेंगे। इसके अंदर गोल गोल ऐसी चकतियाँ होती हैं, जिनको हम ग्रेना बोलते हैं, एक वचन में और बहुवचन में ग्रेनम कहते हैं। ये गोल गोल चकतियाँ एक समूह में
क्वांटासोम कहलाते हैं और ये खाली भाग स्ट्रोमा कहलाता है। अब हम लवक के प्रकार देखते हैं। दोस्तों लवक तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले ए है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और बी है इसका वर्णी लवक, वर्णी लवक, और सी है इसका हरित लवक, हरित लवक। देखो दोस्तों ये जो अवर्णी लवक है इसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और यह है पादपों के अंदर जड़ों में यानी भूमिगत भाग होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य है तेल का संचय करना। दूसरे पे चर्चा करते हैं वर्णी लवक। ये जो वर्णी लवक है ये दोस्तों पौधों में विभिन्न प्रकार के रंग या स्वाद या गंध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तीसरा है हरित लवक। दोस्तों हरित लवक के भी दो भाग होते हैं, पहला है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप हरे पादप अपना भोजन बनाते हैं वो हरित लवक के ग्रेनम में बनता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में जो भोजन बनता है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में बनता है। तो प्रकाश यानी लाइट अभिक्रिया ग्रेनम में संपन्न होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न होती है। क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं तो हरित लवक के कौन से भाग में, तो आंसर है ग्रेनम, और अंधकार वाली यानी डार्क रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होती है हरित लवक के कौन से भाग में, स्ट्रोमा भाग में। तो दोस्तों अब मोस्ट ये है वर्णी लवक। जैसे 2013 के LDC में पूछा था कि टमाटर का लाल रंग किसके द्वारा होता है, मिर्च में तीखापन किसके द्वारा होता है, लहसुन में गंध किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों अब हम इस वर्णी लवक की चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं यानी वर्णी लवक, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों यह पादपों में एक तो रंग प्रदान करने का कार्य करता है, एक गंध प्रदान करने का कार्य करता है और एक स्वाद प्रदान करने का कार्य करता है। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, टमाटर, टमाटर में लाल रंग, ये दोस्तों होता है लाइकोपीन वर्णक के द्वारा, लाइकोपीन वर्णक के द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मिर्च में तीखापन, तो इसका आंसर है कैप्सेसिन वर्णक के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि टमाटर पहले ग्रीन था, मिर्च पहले ग्रीन थी, फिर ये रेड कैसे हो गए। ये जो लवक है हरित लवक क्लोरोफिल, ये परिपक्व होने पर अपना रंग परिवर्तित कर लेता है, तो उसका कोई आंसर नहीं है। और इसका इनके आंसर हैं मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन वर्णक के द्वारा और टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के द्वारा। नेक्स्ट है आंवले में कसेलापन, ये दोस्तों मेमोर डिका वर्णक के कारण। नेक्स्ट है लहसुन में गंध, ये दोस्त होती है एलाइसिन वर्णक के द्वारा। और दोस्तों आपने देखा होगा भिन्न भिन्न रंग के पुष्प होते हैं, जैसे गुलाब का है, गेंदा का है, ये भिन्न भिन्न कलर के पुष्प होते हैं, वो कौन से वर्णक के द्वारा होते हैं, तो पुष्प में
पुष्प में पंखुड़ियों का रंग, पंखुड़ियों का रंग ये होता है दोस्तों जैंथोफिल वर्णक के द्वारा, जैंथोफिल वर्णक के द्वारा। नेक्स्ट, चुकंदर में, चुकंदर में मीठापन बीटालिन के द्वारा, बीटालिन के द्वारा, बीटालिन वर्णक के द्वारा। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है और इनको याद करना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे दोस्तों पादपों के अंदर या फलों में फ्रुक्टोज शर्करा के द्वारा मीठापन पाया जाता है, लेकिन चुकंदर के अंदर ये वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के द्वारा मीठापन होता है, जिसका जिस वर्णक का नाम है बीटालिन। हमने लवक के बारे में स्टडी कर लिया है, अब नेक्स्ट डबल लेयर वाले कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्रकणिका। दोस्तों ये भी डबल लेयर होती है, दोहरी कला से युक्त परिबद्ध होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसकी खोज करता, तो इसका खोज करता माना जाता है अल्टमान को, अल्टमान। अब हम देखते हैं इसकी संरचना, तो दोस्तों ये बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, जिसमें दो लेयर होती हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, मेरी बंद मुट्ठी है, ये जो बाहरी लेयर है ये तो स्मूथ है, लेकिन इसकी जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक लेयर है, वो अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं निर्मित करती हैं, जिनको हम क्रिस्टिया बोलते हैं। ये क्रिस्टिया एक द्रव के अंदर डूबी रहते हैं, जिसको हम आधात्रि या मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए संरचना बना के देखते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी लेयर है और इसके अंदर अंगुलियों के समान ये उभरी हुई संरचनाएं हैं, जिनको हम दोस्तों क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी। और ये एक द्रव के अंदर डूबी रहती हैं, जिसको हम आधात्रि या मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह एक श्वसनकारी ऑर्गन होता है, अंग होता है। जैसे यह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। अब एटीपी कैसे आई, तो उसको देखते हैं। जैसे हमने कुछ भी खाया है, चाहे चावल खाएं, चाहे आलू खाएं, चाहे हम गेहूं खाएं, यह हमारे शरीर में जाकर यानी मुंह में जाकर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यह ग्लूकोज रक्त के साथ मिलकर के इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश की। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। अब कितने एटीपी बने हैं, यानी एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बदलता है 36 एटीपी में। वैसे 38 बनते हैं, लेकिन दो एटीपी स्वयं माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करने के लिए खर्च कर लेता है, तो बचते हैं 36। अब इस एक एटीपी का पाचन होगा या अपघटन होगा, तो एक एटीपी का अपघटन हुआ तो 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी प्राप्त होती है। तो हमारे पास 35 और है, तो यानी सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 36 मल्टीप्लाई 4.2, तो हमारे पास बहुत सारी एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया लगातार कोशिकाओं को ऊर्जा देता रहता है, इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है। एक बार वापस से देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, खोजकर्ता
अल्टमैन, सबसे पहले इसको बायोप्लास्ट कहा था। और इसकी ये संरचना देखते हैं, डबल लेयर युक्त होता है, इसकी बाहरी झिल्ली स्मूथ यानी चिकनी होती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली है वो अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचना ही बनाता है, जिनको दोस्तों क्रिस्टी कहते हैं। अब ये क्रिस्टी एक द्रव के अंदर डूबी रहते हैं, जिस द्रव को बोलते हैं आधात्री या मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका एक श्वसनकारी अंग है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, चार तीन ऑप्शन और देखे, एक ये है तो आंसर होगा हमारा श्वसनकारी अंग। अब इसकी क्रियाविधि देखते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जाता है रक्त के साथ, तो यह ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब एक ग्लूकोज से 36 एटीपी बनते हैं, अब एक एटीपी से 4.2 किलो कैलोरी की एनर्जी प्राप्त होती है। यदि हम इस 36 को 4.2 से मल्टीप्लाई करें और इक्वल देखें तो बहुत सारी एनर्जी हो गया। इस बहुत सारी एनर्जी के कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस यानी सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तीसरा लेते हैं दोस्तों लाइसोसोम, तीसरा है लाइसोसोम और इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड बैग। सबसे पहले हम देखते हैं इसके खोजकर्ता, खोजकर्ता तो दोस्तों इसकी खोजकर्ता है डी डूवे। अब हम देखते हैं इसकी संरचना, यह एकल झिल्ली युक्त संरचना है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं अर्थात अपघटनकारी एंजाइम भरे होते हैं, तो यह है अपघटनकारी एंजाइम। अब हम इसकी क्रियाविधि सुनते हैं, यह ब्लड के अंदर पाया जाता है यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है और विशेष तौर से देखें तो ब्लड के अंदर रक्त के अंदर। दोस्तों जैसे ही जल के द्वारा, हवा के द्वारा या भोजन के द्वारा हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश कर गए हैं या हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जैसे मेरे शरीर के ऊपर घाव हो गया, अब जो घाव वाली जो क्षतिग्रस्त कोशिका है ये बाहर हटनी चाहिए क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं आएंगी तो उनको बाहर हटाना चाहिए, तो कैसे हटेंगे? तो ये जो लाइसोसोम है कोशिकांग, ये क्या करता है यानी इसके अंदर जो अपघटनकारी एंजाइम है, ये अपघटनकारी इसकी जो ये जो आउटर लेयर है कोशिका की झिल्ली है ये स्वतः ही फट जाती है। फटने से जो भी रोगाणु प्रवेश किए हैं वो या जो घाव के अंदर जो कोशिकाएं हैं क्षतिग्रस्त वो नष्ट हो जाती हैं, यानी वो तो नष्ट हो गई है लेकिन इस कार्य के लिए स्वयं भी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। स्वयं नष्ट हो गई है तो अपने आप को नष्ट कर लिया है, तो ये क्या कर लिया है, आत्महत्या हो गई। आत्महत्या होती ही ये थैली समान संरचना थी तो इसको कहा है आत्मघाती थैली। तो इसका उपनाम है, उपनाम आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली। अब हमें यानी अक्सर मुझे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर ये वैज्ञानिक नाम याद नहीं होते, तो इसका याद रखने का दवा बनाया है, हम तो मरेंगे सनम आपको भी ले डूबेंगे, तो ले डूबे अर्थात कोशिका मरी है तो कौन ले डूबे, डी डूबे, तो लाइसोसोम का खोज करता है डी डूबे। चौथा है गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके खोज करता तो इसके खोज करता है केमिलो गोल्जी। अब देखते हैं इसकी संरचना, तो इसकी संरचना होती है वाईफाई के जो संकेत है उसकी तरह।
अब ये जो वाईफाई का सा जो संकेत है अर्थात इस ये एक नलिकाई है जिनको हम पुटिकाई बोलते हैं, ये पुटिकाई है। अब ये जो पुटिकाएं हैं इनके बीच में रिक्त स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यानी एक ये नलिकाकार संरचना है, इधर का कोशिका द्रव्य इधर जा सकता है, यानी LHS का कोशिका द्रव्य है RHS की तरफ जा सकता है, तो RHS का LHS की तरफ भी आ सकता है। देखो दोस्तों, यदि ये हमारे पास कोई केंद्रक है और मैं इस गोल्जी काय को कोशिका के अंदर बंद कर देता हूँ और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है, ये LHS की तरफ कोशिका द्रव्य है और ये RHS की तरफ कोशिका द्रव्य है। यदि LHS का कोशिका द्रव्य दोस्तों RHS की तरफ जा रहा है तो इधर का कोशिका द्रव्य इधर नहीं आ पाएगा अर्थात ये बंद हो जाती हैं, और यदि RHS का इधर आ रहा है तो ये बंद हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपने देखा होगा जैसे ये कोई चौराहा है और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, और यदि इस साइड वाले वाहन आ रहे हैं तो इधर वालों को रोक देगा और इधर वाले जा रहे हैं तो इस सामने वाले को रोक देगा, तो रोकने और भेजने का कार्य ट्रैफिक पुलिस करता है, तो हमारे कोशिका में ये गोलजिकाए ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है। तो इसका उपनाम आया है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि किस कोशिका अंग को या कोशिका के अंग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं दोस्तों, गोल्जी काय को। और ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं या तो इसके खोजकर्ता पर या इसके उपनाम पर। तो ये गोल्जी काय हुआ, दोबारा सुनते एक बार, गोल्जी काय। चौथा है खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। संरचना ऐसी होती है, पुटिकाएं एक दूसरे के एक ऊपर प्रति समानांतर रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इन पुटिकाओं को हम कुंडिकाएं भी बोलते हैं या सिस्टर्नी भी बोलते हैं। ये एक नलिकाकार संरचना होती हैं जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं अर्धचंद्राकार रूप में। अब ये जो इसका कार्य है कि यदि LHS का कोशिका द्रव्य RHS की तरफ आ रहा है तो RHS को रोका रखना है, यदि RHS का LHS की तरफ आ रहा है तो रोका रखना है। तो ये कोशिका द्रव्य का मैनेज करने का कार्य करता है, बैलेंस करने का कार्य करता है अर्थात संतुलन बनाए रखता है। और पढ़ते हैं, अभी हमने तीसरे नंबर का पढ़ा कि जो लाइसोसोम था वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जैसे कोशिका क्षतिग्रस्त हो तो उनको हटाने के लिए या फिर कोई रोगाणु प्रवेश कर गया है तो उसको हटाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं मुझे बच्चे कि फिर वापस बनता कैसे है, भाई नष्ट हो तो हो गया लेकिन बनता कैसे है, तो उसका रीजन सुनते हैं। देखो, जब इसके ऊपर ये यहाँ पे बीच में जगह है, जगह दिख रही है बिल्कुल, ये देखो जगह दिख रही है आपको और जगह मैंने बनाई भी, इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये दब जाती हैं, दबने से यानी प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो इनके किनारों के ऊपर क्या लगता है, दबाव लगता है, प्रेशर लगता है। अब प्रेशर लगता है तो ये क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, फूल गई है। देखो ये फूली हुई संरचनाएं दिख रही हैं। अब क्या होता है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होने से ये यहाँ से हट जाती हैं और हट करके ये फूली हुई संरचना अर्थात थेलीनुमा संरचना बन गई है, और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपघटनकारी एंजाइम भर गए हैं। अब अपघटनकारी एंजाइम भर गए हैं और थैली जैसी संरचना बन गई है अर्थात लाइसोसोम का निर्माण हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवें नंबर पर, अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसको दोस्तों ER भी बोलते हैं, ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्यीय जालिका। सबसे पहले दोस्तों इसकी देखते हैं हम खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता थे केथ पोर्टर। देखो दोस्तों, बच्चे मुझे बोलते रहते हैं कि ये वैज्ञानिकों के नाम करना ज़रूरी है क्या, किसी भी यदि याद रखेंगे
तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक ही एग्जाम दे रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की दे रहे हैं, एलडीसी की दे रहे हैं, लोको पायलट की दे रहे हैं, ग्रुप डी की दे रहे हैं, सभी एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्टैक्ट होता है, तो याद रखना जरूरी है। हमने एक इनकी ट्रिक बनाई है जो लास्ट में पढ़ाने की बात में बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें डिटेल्स देखना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमें आधार होना ज़रूरी है, बेस होना ज़रूरी है। आधार के बिना हम मंजिल खड़ी नहीं कर सकते, चाहे कंगोरे हम कितने ही लगाए फिर, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो ढहना ही पड़ता है। तो हम देखते हैं खोजकर्ता, तो दोस्तों इसके खोजकर्ता हैं केत पोर्टर। अब हम इसकी संरचना बनाते हैं, तो संरचना के अंदर देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, केंद्रक है। आप इस केंद्रक के बाहर ये जाली का नुमा संरचना लगी है, यानी संरचना जुड़ी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, अंतर्द्रव्यी जालिका। अब दोस्तों नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि अंत यानी अंदर, द्रव्य यानी द्रव, जालिका यानी जाल, यानी जाल से द्रव आ सकता और जा सकता है। लेकिन इसके ये यानी जो जालिका है, नेटवर्क है, इसका जाल है, इसके ऊपर राइबोसोम की कणिकाएँ जुड़ी रहती हैं। आप इस राइबोसोम की कणिका के जुड़े होने के कारण इस अंतर्द्रव्यी जालिका को हमने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है, जो क्या क्या नाम है देखते हैं। सबसे पहले हैं यानी जहाँ पे नहीं जुड़ी है तो वहाँ पर तो चिकनी है, तो चिकनी है तो बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर ये राइबोसोम की कणिकाएँ जुड़ी हुई हैं तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका कितने भागों में बट गई, दो भागों के अंदर। क्या क्या नाम है, स्मूथ यानी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब हम इनके कार्य देखते हैं, तो यहाँ पे राइबोसोम आया है, तो राइबोसोम का तो एक ही कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो दोस्तों यहाँ पर तो कार्य लिख देना है कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का सिंथेसिस यानी संश्लेषण करने का कार्य करती है, अर्थात प्रोटीन को उत्पन्न करने का कार्य करती है। फिर हमारे पास स्मूथ बच गई है यानी चिकनी बच गई है, तो इसका कार्य है कि वसायुक्त यानी फैट यानी चिकनाई है, उनको उत्पन्न करने का, संश्लेषण करने का कार्य करती हैं, संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। ये दोस्तों अंतर्द्रव्यी जालिका का ये कार्य हो गया है, प्रकार हो गया है, ये संरचना हो गई है, और ये इसका खोज करता है। लेकिन अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, वो कौन सा है। सर जी हमें तो ये बताओ कि इस पूरी अंतर्द्रव्यी जालिका का कार्य क्या है, ये तो हमने जान लिया कि इसके प्रकार हैं, SER का था स्मूथ का तो कार्य वसायुक्त का फेट का संश्लेषण करना है, और रब का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य, इन दोनों एक सम्मिलित रूप में मिली हुई हैं, तो इसका कार्य क्या है। देखो हम हैं, हम सबसे पहले एक कोशिका से बने थे, फिर ये कोशिकाएं जुड़ी थी, उत्तक का निर्माण की थी, फिर ये अंग का निर्माण की, फिर ये तंत्र का निर्माण की, और तंत्र को हमने, तंत्र है वो एक हड्डियों का बना होता है जिसको हम अंतःकंकाल बोलते हैं। तो यदि हम कोशिका का अंतःकंकाल देखें तो दोस्तों उसका नाम है अंतर्द्रव्यी जालिका। कहने का तात्पर्य है कि कोशिका का अंतःकंकाल बनाने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। अब नेक्स्ट लेते हैं छठा नंबर पर तारक काय, तारक काय दोस्तों इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम बोलते हैं, और इसके खोजकर्ता हैं, इसके खोजकर्ता हैं टी बोवेरी, अर्थात टी बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने इस तारकाय सेंट्रोसोम की खोज की। अब इस सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, देखो इसका कार्य ये है कि एक तो कार्य है जिसे कोशिका विभाजन कर रही है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट रही है, तो ये जो तारकाय है ये तारकाय पुत्री कोशिकाओं का पुत्री तारकायों में बदल जाती हैं, और इससे तरकु किरणें निकलती हैं, ये तरकु किरणें
गुणसूत्रों को बांधे रखने का यानी स्थान देने का कार्य करती है। जैसे गुणसूत्र यहाँ बीच में है तो इस गुणसूत्र को यहाँ पे बांध लिया है, जैसे ये ध्रुव पर चला गया है तो ये ध्रुव पर बांध लिया है। तो तारक कार्य का एक ही कार्य है कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों को बांधे रखने का। और देखते हैं दोस्तों, हम जंतु कोशिका यहीं पे बता देते हैं, समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका का कोलम बना लिया है और ये पादप कोशिका का कोलम बना लिया है दोस्तों। अब हम पूछते हैं या पढ़ते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं कि जंतु कोशिका में तो दोस्तों तारक काय पाया जाता है, तारक काय प्रेजेंट होता है जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में इस तारक की जगह यहाँ पे होता है लवक प्लेस्टिड उपस्थित होता है। ये मोस्ट अंतर है इनमें दोनों के अंदर, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका में तारकाय होता है और पादप कोशिका में लवक होता है। एक अंतर और देख लेते हैं जंतु कोशिका का, जैसे कि कोई कोशिका है, जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इसके आउटर मेम्ब्रेन को यानी बाहरी झिल्ली जो आउटर मेम्ब्रेन है यानी आवरण है उसको जंतुओं में बोलते हैं दोस्तों झिल्ली, और पादपों में बोलते हैं दोस्तों इसको भित्ति, इसको बोलते हैं वॉल, WALL वॉल बोलते हैं। तो दूसरा अंतर हुआ कि जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है उपस्थित, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट, और यहाँ पे दोस्तों पाई जाएगी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा अंतर, यानी अब यहाँ पे ये आ गया कि कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है और भित्ति बनी किससे होती है। तो दोस्तों ये जो झिल्ली है ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन से, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट है और इसको अंडरलाइन भी कर लिया है हमने। इस यानी कोशिका झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन से, लिपिड प्लस प्रोटीन, और ये जो कोशिका भित्ति है ये दोस्तों बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज। और ये हमेशा याद रखना है, इसको स्टार लगा दिया अंडरलाइन कर लिया कि सेल्यूलोज केवल पादपों में ही पाया जाता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है। लेकिन अब यहाँ पे सेल्यूलोज आ गया है तो ये क्लियर करना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए ये बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम कच्चे फल खाते हैं, जैसे केले का छिलका खा लिया, या सर हमने कच्चे अमरूद खा लिए, उन कच्चों फलों के अंदर क्या था, सेल्यूलोज था, फिर उनका पाचन कैसे हुआ, फिर उनका आंसर होना आना जरूरी है। देखो दोस्तों इसका आंसर है कि हमारे शरीर के अंदर अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कौन सा है हमारे शरीर के अंदर, आता है तो कमेंट्स करना और नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर है कर्मी परिशेषिका, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में अवशेषी अंग है जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता है। वैसे हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, सेल्यूलोज का पाचन केवल जंतु यानी मवेशी करते हैं, मानव में नहीं, इसके अंग नहीं पाए जाते हैं। यह हम यूं भी बोल सकते हैं कि जंतुओं के अंदर दो प्रकार के आमाशय होते हैं, एक है प्रथम आमाशय, दूसरा है द्वितीय आमाशय। अब इस द्वितीय आमाशय को हम रूमेन बोलते हैं, और इस रूमेन के अंदर बैक्टीरिया भरे रहते हैं, जैसे मेथेनोकोकस। जैसे ही हम यानी जैसे ये जंतु, जैसे गाय है, गाय ने चारा खाया और चारा रूमेन भाग में चला गया, अब रूमेन के अंदर क्या थे, मेथेनोकोकस बैक्टीरिया थे। ये मेथेनोकोकस बैक्टीरिया इस सेल्यूलोज को तोड़ने का कार्य करता है, पाचन करने का कार्य करता है। तो सेल्यूलोज यानी पाचन हो गया, अपघटन हो गया, टूट गया, टूटने से जो मेथेनोकोकस बैक्टीरिया ने उसका पाचन करने के पश्चात जो अपशिष्ट है, उत्सर्जित पदार्थ है, वो गोबर के रूप में बाहर निकल जाता है, और उस गोबर के अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन,
कौन सी गैस होती है दोस्तों? मेथेन। याद रखना, क्वेश्चन आता है, आता रहेगा। तो दोस्तों ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो गया है। एक बार आप फिर से देखते हैं, तारककाय यानी तारककाय जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, तो पादप कोशिका में तारककाय की जगह लवक होता है यानी प्लिस्टिड होता है। दूसरा अंतर है दोस्तों कि जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है और पादपों में कोशिका भित्ती होती है। ये झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी होती है और ये भित्ती सेल्युलोज से बनी होती है। अब हमारा सातवां एक और बच गया है, राइबोसोम। बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं राइबोसोम, सातवां नंबर का है राइबोसोम। दोस्तों इसकी खोजकर्ता थे पेलाडे, खोजकर्ता पेलाडे। देखो ये राइबोसोम जहाँ भी नाम आए, अभी हम कुछ ही नहीं पढ़े हैं, केवल बायोलॉजी का परिचय देख रहे हैं यानी शरीर का परिचय देख रहे हैं। जंतुओं का देखें चाहे पादपों का देखें, तो केवल हम परिचय देख रहे हैं कोशिका के अंदर। तो राइबोसोम जहाँ जहाँ नाम आए, तो एक ही कार्य करना है कि प्रोटीन को उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो इसका कार्य है, कार्य यानी प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करना। अब संश्लेषण से तात्पर्य है निर्माण करना, सिंथेसिस। देखो इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो ये कलाविहीन कोशिकांग है। अब ये जो राइबोसोम है ये दो प्रकार का होता है, तो इसके प्रकार देखते हैं। एक तो है 70S राइबोसोम, राइबोसोम, और दूसरा है 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। इनकी भी सब यूनिट होती हैं। यहाँ एस से तात्पर्य है सेंडिमेशन, अवसादन गुणांक। ये तो है 50S प्लस 30S, जोड़ना मना है, यहाँ पे जोड़ोगे तो 80 होंगे। यहाँ पे 60S प्लस 40S, यहाँ पर भी जोड़ना मना है। तो ये सब यूनिट है इसकी, सब यूनिट, और ये एक बड़ी लार्ज यूनिट है यानी स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट है। ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिनमें केंद्रक, अभी देखेंगे हम कोशिकाओं के प्रकार, लेकिन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो 70S राइबोसोम है ये तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और ये जो 80S है ये होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक नहीं जानते हैं, इसका शॉर्ट में क्या होगा, तो शॉर्ट में सुनते हैं। यदि जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देती हैं, उनको तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनमें 70S राइबोसोम होगा। और जो हमारे सामान्य आंखों से दिखाई दे जाते हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें 80S राइबोसोम होगा। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, और इस अपवाद को मैंने रेड पेन से लिखने की कोशिश किया हूँ। देखो अपवाद है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम। ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं और पूछते भी रहेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला राइबोसोम कौन सा है? 70S राइबोसोम। और हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम, अब ये आपको खुद को, स्वयं को ढूंढना है। नहीं आए तो कमेंट्स करना हमारे यूट्यूब चैनल seco.online पर। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार, तो पॉइंट बनाते हैं कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों इसके दो प्रकार हैं, सबसे पहले हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दोस्तों दूसरी है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। सर ये है क्या ये? तो सबसे पहले
बच्चे मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि प्रोकैरियोटिक समझते नहीं हम, अधिकतर आर्ट्स के बच्चे हैं, इनके हिंदी अर्थ करके बताओ। तो दोस्तों हिंदी अर्थ भी यही कर लेते हैं, इसका अर्थ है असीम केंद्र की, असीम केंद्र की। और दोस्तों इसका नाम है ससीम केंद्र की। अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। देखो सामने ये जो असीम केंद्र की है, देखो ए यानी नहीं, ए यानी नहीं, क्या नहीं, केंद्र की यानी केंद्र की यानी केंद्र, वह कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं हो असीम केंद्र की या प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और यहाँ से तो बिल्कुल विदित हो रहा है ससीम केंद्र की वह कोशिका जिसमें सुविकसित, स यानी सुविकसित, केंद्र की यानी केंद्रक, वह कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है ससीम केंद्र की यानी यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। अब हम इनके अंदर अंतर देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम अंतर देखते हैं, तो केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है, और यहाँ पे लिखते हैं सुविकसित, सुविकसित केंद्रक प्रेजेंट यानी उपस्थित। दूसरा अंतर देखते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनका साइज देखें, आकार देखें, तो ये इनका आकार होता है 0.01 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर, अर्थात इनका आकार साइज 0.1 माइक्रोमीटर, ये एक मापने की इकाई है, माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक का इनका आकार होता है, किनका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। इनका देखते हैं यहाँ पे 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक आकार वाली, साइज वाली कोशिका यूकेरियोटिक या ससीम केंद्र की कहलाती हैं। तीसरा अंतर देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है असीम केंद्र की कोशिका है, ये सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, तो इनको कहेंगे कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं या सूक्ष्म कोशिका होती हैं जो कि सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। सूक्ष्म कोशिका है और नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, और ये जो लार्ज कोशिका हैं, बड़ी कोशिका है, ये सामान्य आंखों से दिखाई देती हैं, तो ये बड़ी कोशिका होती है जो कि सामान्य आंखों से दिखाई देती है। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी हमने देखा कि कोशिका में अंतःकंकाल बनाने वाला गोल्जी काय है, अभी हमने देखा कि कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं और उनको हटाना है, या फिर हमने देखा कि शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर गया है उसको नष्ट करना है, तो आत्मघात एपिथेलियल है, ऐसे जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो यहाँ पर यानी कोशिकांग यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांग यहाँ पर सारे के सारे अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ पर समस्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, समस्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और पांचवा अंतर देखते हैं, यानी ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही गुणसूत्र होगा, एक ही गुणसूत्र होता है, अर्थात सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी क्रोमेटिन का जो फाइबर्स है वो सिंगल होता है, तो एक ही गुणसूत्र प्रेजेंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं,
और इसके उदाहरण देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा और युगलिना है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, ये समस्त कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे मनुष्य है, जैसे मवेशी है, ये इनके अंदर एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से संबंधित वो हमें कमेंट्स करें कमेंट्स बॉक्स में जाकर, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में जाकर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।